नमस्कार। रात के 8:50 हुए हैं। दिन भर शहर और क्षेत्र में क्या कुछ घटा, इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स दिन भर दौड़ भाग करके लिए आपके लिए लेकर आए हैं खबरें। आइए देखते हैं क्या कुछ घटा दिन भर में। नमस्कार, खबर दिन भर में सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आइए देख लेते हैं इस घंटे की खबर, जो कि मोराहा क्षेत्र से है, जहां 3 मोटरसाइकिल सवार शादी के समारोह के लिए छतरपुर की ओर आ रहे थे कि तभी अचानक पत्थरों के बीच में मोटरसाइकिल के टकरा जाने से गंभीर रूप से 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल हरिश्चंद्र प्रकाश ने बताया कि वे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 3 लोग मोराहा से छतरपुर की ओर आ रहे थे, तभी मंगलवार को देर शाम होने के कारण सड़क पर पत्थर न दिखने से मोटरसाइकिल टकरा गई और 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। इस गिरने के कारण गंभीर चोट आने से इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। तो मतलब गाड़ी के चल कैसे हुआ यहाँ पर? रोड पर पत्थर टकरा था तो उसने मतलब पहिया का लांग था तो गिर गई थी। कितने लोग घायल हो गए? कहाँ पर हैं अभी भर्ती आप? नमस्कार, खबर दिन भर में सुबह 11 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आइए जान लेते हैं इस घंटे की खबर, जहां जनसुनवाई में अपनी मांगों को रखते हुए कुछ महिलाएं एकत्रित हुई। ये महिलाएं रसोईया ग्राम से आई हुई हैं और इनका कहना है कि इन्हें भरण पोषण हेतु 1,000 रुपए शासन द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें 2400 घंटे की मशक्कत के बाद ये पूरा दिन रसोई में ही व्यतीत करते हैं। हालांकि ये देखना जरूरी है कि इनकी यह समस्याएं लगातार बनती जा रही हैं और अपनी मांगों को रखते हुए इनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। महिला रसोई अध्यक्ष सुनीता यादव ने बताया है कि महिलाएं अत्यधिक मजबूर हैं, उनका समय पूरा दिन स्कूल में ही व्यतीत हो जाता है, जिससे महिलाएं अन्य काम भी नहीं कर पा रही हैं और अपने दैनिक के काम में भी उन्हें बाधा पड़ रही है। महिलाओं को शासन से उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का निराकरण शासन द्वारा जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके। कि हमारे 30 रुपया मिलते हैं, हम 30 रुपया में 10 बजे दिन में जाते हैं और 3 बजे तक आते हैं यहाँ से। हमारे 30 रुपया में पड़ता नहीं पड़ता है, हमारी तो आप मांग पूरी करें, हमको तो मजदूरी दें, हम ज़्यादा नहीं मंगाते हैं। हम लोगों को ये आती है कि 1,000 में बच्चों को पढ़ाएं, उनकी फिर ट्यूशन पढ़ाएं, कि उनको खाना करें, कि उनके कपड़े करें, क्या करें बताओ। खर्चा पूरा नहीं होता। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि 200 मिलते हैं तो 200 ना मिले, 150 मिले, लेकिन मिले। नमस्कार दोस्तों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इन खबरों पर। जैसे जैसे गर्मियों की शुरुआत होने लगी है, वैसे ही जल संकट से लोग जूझने लगे हैं। एक मामला सामने आया है जो कि ओरछा रोड थाना अंतर्गत गौरगांव का है। यहां के कुछ दमंगों के द्वारा हैंडपंप पर कब्जा कर लिया गया है। स्थानीय लोग पानी से जूझ रहे हैं, जल संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। ओरछा रोड थाना अंतर्गत ग्राम गौरगांव में 2 हैंडपंपों पर दमंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इन दिनों जल संकट से जूझ रहे गौरगांव स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर के SDM को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग को रखा है। समस्या पानी की ये है कि नल लगे हुए थे हरिजन बस्ती में, तो वहाँ पे राजपूतों द्वारा कब्जा कर लिया अवैध। उस पर हमें ना तो पानी भरने दिया जा रहा है, उस पर तार की फेंसिंग कर दी गई है, और जो कहते हैं पानी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं यहाँ आओगे तो हम मारेंगे भी। कौन कहता है? वो शंकर राजपूत और प्रभु राजपूत। हमारी पानी की समस्या है, जो सरकारी नल लगे हुए थे वो उन्होंने अपने अंडर में कर लिए हैं। किसने कर लिए हैं? जिम्मेदार शंकर ने। आज आप सिवन कहाँ पे आए? हम तहसील में आए हैं। हम चाहते हैं कि हमें पानी दिलाया जाए। आइए नजर डाल लेते हैं आज की दूसरी खबर पर। 2 अलग अलग लूट की घटनाओं के विरोध में खटीक समाज एकत्रित होकर इन्होंने SP को ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं इन्होंने इन लूट के खुलासे की मांग करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी है। लूट की 2 अलग अलग वारदातों के विरोध में मंगलवार को खटीक समाज ने एकजुट होकर SP को ज्ञापन सौंपते हुए घेराव किया है और इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ा जाए। समस्या ये है कि कल हम लोगों के साथ एक ही जगह पे एक ही समय दो जगह पे एक ही समय पे 2 लूटे हुए हैं। एक अपना ये राजनगर रोड पे बरकुआ के पास और एक मारकुआ थाने के बगल में काशीपुरा के पास। उसमें हम लोगों ने FIR भी की है
और एक के सर में कट्टे की बट भी मारी गई थी जिसको नोट आके आए, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो टीआई साहब ने 24 घंटे के लिए बोला था कि गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन अभी तक ना ही तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई यहाँ पर संदेह अपराधी पकड़ा गया है जिसके ऊपर कोई वो कर सके। अगर दो दिन में भी कोई गिरफ्तारी या कोई संदेह को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो हम लोग सड़क पर आके खटीक समाज उग्र आंदोलन करेगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंकुर यादव। जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरों और लुटेरों के लिए एक तरह से स्वर्ण युग चल रहा है। दो दिन पहले ही दो लूट के मामले सामने आए थे, अब ग्राम ढड़ारी में एक ही रात में 7 दुकानों के ताले टूटने के मामले सामने आए हैं। थाना क्षेत्र के ग्राम ढड़ारी में 7 छोटी छोटी दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने इनमें रखी कुछ सैकड़ा कुछ हजार राशि चोरी कर ली। कुल चोरी लगभग 30,000 रुपए की बताई गई है, लेकिन सवाल यह है कि एक ही रात में 7 दुकानों के ताले तोड़ने वाले चोर आखिर छतरपुर में आए कहां से? इतनी वारदातें आखिर छतरपुर में क्यों हो रही हैं? ढड़ारी में इसी सवाल का जवाब पूरे गांव के लोग चाहते हैं। पुलिस ने यहां पहुंचकर टूटे हुए ताले जब्त कर लिए हैं और चोरों की तलाश शुरू करने की बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन अब तक पुरानी लूटों के मामले में भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में इस चोरी के मामले में भी पुलिस को जल्दी ही कामयाबी मिलेगी, ऐसी संभावना कम नजर आ रही है। 7 दुकानों की चोरी हुई है और हमारे कपड़े भी गए हैं और बगल वाले 4 समोसे की है, वही दुकान तो उसमें से चिल्लर कुछ गए हैं और बगल में राजू महाराज की है जनरल की, उसमें भी गुटके उठके रखे थे, कुछ पैसे ले गए। फिर आगे उसके पास कम तो पैसा आती है, उसके भी टायर है, साइकिल 2 साइकिलें भी गई हैं, उसका भी नुकसान है। फिर माँ आगे मोहन दाऊ की है। फोन नंबर डायल को फोन लगाया, हाँ। तो वो आए तो बोले अगले भूमि चले गए। कितने दुकानों में चोरी हुई है? 7 दुकानों में। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अगली खबर लवकुश नगर से है, जहां पर एक गल्ला व्यापारी के साथ 5 लोगों ने अपहरण कर मारपीट की है। हालांकि पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को छुड़ा लिया है, लेकिन उसके साथ गंभीर मारपीट हुई है, इसलिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक लवकुश नगर निवासी सौरभ अग्रवाल तनय हरिश्चंद्र अग्रवाल पेशे से गल्ला कारोबारी हैं। लेनदेन के विवाद को लेकर लवकुश नगर निवासी रामाश्रय पाठक, बद्दे बरानिया, राघवेंद्र सिंह, भैया गुप्ता और पप्पू खान ने उसे अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। घायल अवस्था में सौरभ अग्रवाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तमाम व्यापारी पहुंचे और इस मामले में पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं लोहड़ी से छतरपुर आ रहा था, कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, 5 लाख रुपए मांगने की फिरौती कहा और मेरी चैन उतार ली, उन्होंने एक जंगल लगा के मेरी पे पटाई की, पैर में बहुत मारा, मेरा पैर टूट गया, हाथ में बहुत मारा और कह रहे थे कि कुछ करोगे तो अगली बार जान से हाथ धोने पड़ेंगे। बजाज एजेंसी के पास से उन्होंने रामाश्री पाठक, पत्ती बरानिया, राघवेंद्र सिंह, पप्पू खान, वीरेंद्र गुप्ता, एक लोग मुझे जानकारी नहीं है वो कौन था, कटहरा के पास एक जंगल में ले गए थे, वो चैन छीन ली, उन लोगों ने पैसा नहीं मिली, नहीं तो पैसे उन्होंने निकाले। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पर्यटक ग्राम बसारी में चल रहे 22वें बुंदेली उत्सव के दौरान अश्व नृत्य और व्यंजन प्रतियोगिता में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस प्रतियोगिता को देखकर लोग रोमांचित हो गए। बुंदेलखंड में आयोजित की जाने वाली अश्व नृत्य की यह पहली प्रतियोगिता है, जिसमें दूर दूर से घोड़े सज धज कर यहाँ पहुंचते हैं। बसारी में आयोजित बुंदेली उत्सव के दौरान कई सजे धजे घोड़ों ने जब मैदान पर नाचना शुरू किया तो लोग इन्हें रोमांचित होकर देखते रहे। आप भी देखिए घोड़ों का ये नाच। बाद बसारी में आयोजित बुंदेली उत्सव के दौरान हर साल होने वाली खास प्रतियोगिता व्यंजन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें महिलाएं बुंदेलखंड में बनने वाले पकवानों को लेकर इस उत्सव में पहुंची। यहां कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समाज सेवी
अजय पाल सिंह राव साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही बुंदेली उत्सव के संरक्षक पूर्व विधायक मुन्ना राजा के लिए कहा कि वे बुंदेली संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। हमने कढ़ी चावल बड़ा भात रोटी ठड़ूला पालक पूरी चरण की भाजी और बिरयानी आइटम है महुआ का 11 आइटम। बुंदेली उत्सव में कैसा लगता है आकर? सब बुंदेली चीज लगती है। 73 व्यंजन है बुंदेली व्यंजन, इसमें कड़ी गक्कड़ चावल है भरता है और आंवले की और गठा है मुरैता मुरैता गट्टा और बहुत अच्छा लगा। पहली बार पार्टिसिपेट किया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। खबर हरपालपुर से है, जहां बारातियों से भरी एक बस और पार्किंग ठेकेदार के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बस में बैठे बाराती हरपालपुर में रुककर चाय पानी कर रहे थे, तभी पार्किंग ठेकेदार ने उन्हें पार्किंग की रसीद थमा दी। इसी बात को लेकर बारातियों और पार्किंग ठेकेदार के एक युवक के साथ विवाद निर्मित हो गया। इस विवाद में पार्किंग की रसीद लेकर आए दिलीप के साथ बारातियों ने पहले मारपीट कर दी, जिसके बाद पार्किंग ठेकेदार और स्थानीय दुकानदारों ने मिलकर बारातियों को ही पीट दिया। इस मामले की सूचना लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पानी भरने आए, लड़का लड़की उल्टी उल्टी कर रहे थे, पानी भरने के ले गए तो नहीं पैसे चाहिए, फलाना ढिकाना गाली गलौज और पैंट शर्ट बोलने लगे, लेडीज का लेडीज लोग मानने लगे, हमको भी मानने लगे। लट टूटा गया। कितने लोग थे? 10-25 जने थे वो। बस में से सब लोग उतार गाड़ी में से बांस अरे दुकान में से बांस उठा उठा के आए और मारने पीटने लगे। 5-25 लोग महिलाओं को भी मारा। हाँ महिलाओं को। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग हड़ताल पर हैं और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सफाई कर्मी 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और यही वजह है कि अब पूरे शहर में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। सड़कों पर कचरा जमा है और गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि इसके लिए एक आदेश भी आ चुका है। बावजूद इसके वेतनमान की समस्या और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर पहले वे एक चेतावनी जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही ना होने के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। 1 अगस्त 2017 को नियमितीकरण के लिए एक आदेश जारी हुआ था, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही साथ इन लोगों को क्रमोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी। आइए इस वक्त हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट के सामने, जहां पर सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। आइए उनसे जानते हैं क्या उनकी मुख्य मांगे हैं जो धरना प्रदर्शन। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो सफाई कर्मचारियों की नियमितीकरण और विनियमितीकरण का जो आदेश 2017 में 1 अगस्त को लागू हुआ था, उसमें आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जिला छतरपुर से। साथ ही हमारे कई सफाई कर्मचारियों को क्रमोन्नति पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है और हमारे कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति से भी उससे मुक्त रखा गया है। सफाई कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन से पूरे शहर में गंदगी फैल गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक इनका धरना लगातार चालू रहेगा, कब तक इनकी प्रशासन मांग पूरी करेगा। पेपटेक टाइम से संजय अवस्थी। एक और जहां सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, तो वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी 3 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इनका धरना भी अनिश्चितकालीन है। गौरतलब है कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले लगभग 10 सालों से काम कर रहे संविदा कर्मियों को 317 संविदा स्वास्थ्य कर्मी यहां कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें वापस लिया जाए नौकरी में और इसके अलावा नियमितीकरण भी उनका किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 10-15 वर्षों से लगातार वे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक झटके में एक आदेश में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। छतरपुर जिले में करीब 317 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं यहाँ पर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये छतरपुर के शहर में कलेक्ट्रेट के सामने ये धरना स्थल बना हुआ है। इनका अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है और इसमें जो छतरपुर के हैं करीब 2 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ यहाँ पर बैठे हुए, संघ के तले बैनर के तले बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि जो इनकी प्रमुख मांगे हैं वो क्या हैं और अभी तक छतरपुर के प्रशासन द्वारा इनकी बात क्या कोई सॉल्यूशन निकाला गया कि धर पर आया है बैनर के तले के नहीं आया है। जी क्या नाम है आपका? दीप्ति जैन।
किस तरह की मांगे हैं, प्रमुख मांग क्या है आप लोगों की? क्या प्रमुख मांग? तो ये है कि जो हमारे संविदा कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है उनको पहले अंदर लेके आए, और दूसरी ये मांग है कि हमें सविलियन या नियमितीकरण किया जाए। हमारा 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, जब चाहे जब बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पर चर्चा होनी है, मेन दोनों मुद्दे हैं हमारे। केवल हम लोग 3 दिन से बैठे हैं यहाँ पे और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास तक हमारी मांगे जानने नहीं है। जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि अभी तक कोई भी प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं और लगातार इनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वह जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि यह यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी होगा। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हरपालपुर में मध्य प्रदेश की सीमा पर लगभग 200 अवैध रेत के भरे ट्रक खड़े रहे। 5 घंटे तक ये ट्रक खड़े रहे लेकिन खनिज विभाग को इनकी भनक तक नहीं लगी। प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई भी गई लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। गौरतलब है कि हरपालपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई से बचने के लिए लगभग 2 सैकड़ा ट्रक अवैध रेत से भरे हुए हरपालपुर में खड़े रहे और आवागमन को बाधित करते रहे। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को भी सूचना दी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दी, तब भी जाकर इन ट्रकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये प्रशासनिक अधिकारियों को मुंह चढ़ाते हुए वहां पर खड़े रहे। सूत्रों की माने तो इस मामले में खनिज इंस्पेक्टर गणेश विश्वकर्मा की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। मात्र 2-4 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करके इस मामले की इतिश्री कर ली जाती है और बड़े बड़े रेत के ट्रक ऐसे ही सरेआम छोड़ दिए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर विभिन्न प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां एक ओर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर वेबसाइट लॉन्च करके और अन्य माध्यमों से लोगों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। सरकार को ध्यान कराने के उद्देश्य को लेकर अधिवक्ताओं ने मुंडन कराकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। उनका कहना है कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और इसी चीज को लेकर उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के उद्देश्य से मुंडन कराया है। मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। हमारा जो छतरपुर जिला है आसपास के कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन कई एक्सीडेंट होते हैं, कई हादसे हो जाते हैं, लोग मर भी जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ जिला अस्पताल की, तो मेडिकल कॉलेज बहुत ज़रूरी है। सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो आज अधिवक्ता परिषद ने भी इसमें भाग लिया है। अधिवक्ता परिषद ने अपने पहले तो एक शपथ ली, फिर उसके बाद आज मुंडन कराकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में 2 दिन पहले एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। वार्ड क्रमांक 13 गायत्री कॉलोनी में ये सेक्स रैकेट पिछले 3 सालों से चल रहा है। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक मुख्य आरोपी नहीं आए हैं लेकिन रहवासियों ने SDOP को और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंप कर TI विनायक शुक्ल को तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 24 घंटे में TI विनायक शुक्ल को नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन पर उतर आएंगे। गौरतलब है कि रहवासियों ने TI विनायक शुक्ल पर यह आरोप लगाया है कि इन्हीं के संरक्षण में पिछले 3 साल से यहां पर सेक्स रैकेट चल रहा है। यही समझता है कि जो उन्हीं की जान जा रही है, तो अगर महिलाओं की इज्जत बचाना है तो STI को भगाना है। इसके संबंध में अभी ये वार्ड क्रमांक 11 के सभी लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, इस बात का ज्ञापन दिया है कि यहाँ से थाना प्रभारी को हटाया जाए और इनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको संरक्षण को लेकर बात करें। किसान संगठनों ने बजट का विरोध किया है। कहा गया है कि बजट में किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो उचित नहीं है। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उनको सरकार को मानना चाहिए। इसके अनुसार कीटनाशक, बीज आदि के खर्चे भी मुआवजे के खर्चे में जोड़े जाने चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया है उसके अनुसार ऐसा प्रावधान नहीं है। देखिए, हमारी मांग ये है कि अभी भारत सरकार ने के कृषि मंत्री जी ने जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है हम उसका विरोध दर्ज करते हैं। हम लोग किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, उसमें अभी जो किसान की
A2 के आधार पर जो आंशिक लागत लागू की गई है, हम चाहते हैं कि C2 के आधार पर संपूर्ण लागत जो है वो उसमें जोड़ी जाए। किसान के जो खर्चे होते हैं, चाहे वो कीटनाशक के हों, चाहे वो बीजों के हों, वो पूरे के पूरे जोड़े जाएं। अभी अधूरे जोड़े गए हैं और अधूरे जोड़ने के कारण किसान को देते हुए भी वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं दिया है। तो हम लोगों ने ये फार्मूला देखी है, आप ये जेटली फार्मूला है जिसके आधार पर रेट फसलों के ये आ रहे हैं, और हम स्वामीनाथन आयोग के आधार पर और C2 के आधार पर रेट चाहते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने के लिए एक मंच की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वॉइस ऑफ छतरपुर नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छतरपुर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आई हुई प्रतिभाओं ने गायकी का हुनर बिखेरा। शहर के होटल में वॉइस ऑफ छतरपुर नाम की इस प्रतियोगिता में 100 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने ऑडिशन दिए। ऑडिशन की प्रक्रिया बड़े चैनल्स की तरह रखी गई थी और प्रतिभागी भी अपनी बारी के आने का उत्सुकता से इंतजार करते दिखे। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक मनेंद्र खरे उर्फ मनु ने बताया कि यहाँ की प्रतिभाओं को एक और मंच देने, एक नया मुकाम देने के उद्देश्य से इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। ये प्रतियोगिता का पहला दौर था, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा। विजेता को आगे बढ़कर इस फिल्म में गाना गाने का मौका दिया जाएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि छतरपुर वॉइस ऑडिशन हुआ, ताकि हम लोग को भी मौका मिला। अभी हम लोग फिलहाल बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अभी मौका मिला, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटमेंट है। मैं वॉइस ऑफ छतरपुर में आया हुआ हूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये मैं ही जीतूँ वॉइस ऑफ छतरपुर, और मैं चाहता हूँ कि आज का जो यहाँ पर शो हो रहा है, इससे कई लोगों की प्रतिभाओं को जानने का मौका मिलेगा, नई नई प्रतिभाएं सबके सामने आएंगी। ये हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़ा सा नर्वस भी हैं, और वेट कर रहे हैं बस नंबर आने का। जो बाहर नहीं जा पाते उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर सर कहीं ना कहीं हमारे बुंदेलखंड में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, और जो स्टेज की ज़रूरत है इन सारे लोगों को, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है तो कहीं ना कहीं फैमिली रूप से प्रॉब्लम आती है, और इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर आती है स्टेज की प्रॉब्लम। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी पूरी क्रू मेंबर ने, पूरी टीम ने वॉइस ऑफ छतरपुर एक शो बनाया है, जिसमें सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को एक बहुत बड़ा स्टेज देने वाले हैं हम लोग, कि यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस आए, एक मंच मिले। क्योंकि बहुत साल पहले एक कंपटीशन हुआ था, उसके बाद से अभी 8-10 साल हो गया, कोई भी इस तरीके का वो कॉम्पिटिशन छतरपुर में नहीं आया। तो मेरा मानना और मेरी टीम का मानना यही है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पहले एक जो प्रथम मंच होता है वो मिलना जरूरी है, तो ये नहीं मिलता, तो इसलिए हमने ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, ताकि बच्चे डेवलप हों और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आपने देखी दिन भर की खबरें। फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।